टेलरिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिलीप सोनीग्रा है और आज हम सिंपल सलवार का कटिंग कैसे होते हैं वो देखेंगे। तो ये सलवार का कपड़ा है वो 2 मीटर का है। यहाँ से हम नाप के देखेंगे तो ये 39.5 इंच आ रहा है, तो 39.5 पे 2 मीटर 1 मीटर होता है। तो ये हमने यहाँ से डबल लिया हुआ है, इसको डबल किया हुआ है, तो ये 2 मीटर है और इसकी चौड़ाई 44 इंच है, 44। फिर ये कपड़े को हमने यहाँ से फोल्ड किया है, तो एक बार और यहाँ से भी ऐसे फोल्ड कर देना है। और यहाँ से जो ओपन वाला पार्ट है वहां से हम ऊपर का पार्ट करेंगे और यहाँ से पूरा है तो यहाँ से हम मोरी कटिंग करेंगे, इसी हिसाब से कटिंग करना है। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट हम देख लेंगे। इसका मेजरमेंट है लंबाई 41 इंच, लेंथ और बॉटम 16 इंच है और हिप्स 45 इंच है। तो इसी मेजरमेंट से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सीधा मार्किंग कर लेना है जो कपड़ा ऊंचा नीचा है, तो इसके लिए। और उसके बाद इसकी लंबाई 41 है तो ये ऊपर का जो बेल्ट है वो अलग से आएगा 7 इंच का। तो यहाँ से हम आधा इंच सिलाई का छोड़ के यहाँ पे 7 इंच हो रहा है तो यहाँ से नाप करेंगे, मतलब यहाँ से 6.5 से नाप करेंगे तो ये बेल्ट का अलग हो गया 7 इंच। और यहाँ से फिर नीचे हम 41 पे एक मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच हम मोरी के लिए रखेंगे, जो मोड़ना होगा कपड़ा हमें उसके लिए। और यहाँ से एक मार्किंग कर लेंगे। फिर उसकी बॉटम है 16 इंच की, तो ये डबल कपड़ा है तो यहाँ से 8 इंच रख देंगे, 16 का आधा 8 इंच। और 1 इंच यहाँ से हम सिलाई के लिए मार्जिन रख देंगे और यहाँ पे भी अगर लिख देंगे कि 8 इंच की बॉटम है तो बनाते टाइम हमको वापस देखना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से आसन हम उतारते हैं इसमें 8 इंच, तो 7 इंच का बेल्ट आएगा तो दोनों मिला के 15 इंच का आसन हो जाएगा। और फिर इसकी जो यहाँ से चौड़ाई होती है ऊपर की वो हिप्स जो होती है उससे आधी रखनी होती है, तो हिप्स 45 है तो 45 का आधा होता है 22.5, तो ये यहाँ से थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम जॉइंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं ज़्यादा कम पड़े तो, लेकिन इसमें ज़्यादा कम नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा 1-1 इंच कम है। तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो भी चलेगा, अगर ज्यादा कम पड़ रहा हो तो यहाँ पे हम जॉइंट लगा सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे ऐसे सीधा रख के, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे से राउंड शेप दे देंगे। और फिर ये नीचे से यहाँ ऊपर का जो मार्किंग किया है हमने, ये बॉटम का और ये यहाँ का, वो उसको दोनों को मिला लेना है। और फिर ये इसको कटिंग कर देना है। और अगर आपका यह चौड़ाई में कपड़ा कम है और ये यहाँ से आ रहा है तो हम यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस भी कटिंग कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी फ्लिप्स ज्यादा आए। और यहाँ पे सेंटर का मार्किंग कर लेना है। और इसको हम सीधा नहीं काटेंगे, थोड़ा यहाँ से ऐसे क्रॉस कटिंग कर लेंगे ताकि ये इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा रहे। बाकी अगर नाप बराबर आता है तो यहाँ से आप सीधा ही कटिंग कर सकते हैं। और बाकी सब यहाँ से पूरा इसके मार्किंग के ऊपर ही कटिंग कर देना है। और यहाँ पर एक मार्क कर देना है कि यहाँ से हमको लंबाई है इतनी, यहाँ से ये मुड़ जाएगा।
तो ये नीचे का पार्ट कटिंग हो गया है और हमने यहाँ से बॉटम कटिंग की है, तो ये यहाँ से पूरा पूरा पार्ट बचा हुआ है, तो उसमें से हम अब ऊपर का बेल्ट कटिंग करेंगे। तो इसकी इसका जो बेल्ट है वो इसकी हिप्स से 8 इंच लूज रखना पड़ता है, तो इसकी हिप्स 45 इंच है, 45, तो इसमें 8 इंच मिलेंगे तो 53 इंच होगा। तो ये डबल है और ये भी डबल है, 4 है। अगर हम इसको ऐसे कटिंग करना चाहें 4 में, तो इसका 53 का चौथा भाग करना पड़ेगा। तो 13.25 आएगा, 13.25 इंच, ये 13.25 इंच। और यहाँ से हम 7 इंच बेल्ट का रखा है, तो ये यहाँ से 1.5 इंच ऊपर से ये मोड़ने का रखेंगे और 7 इंच यहाँ पे रख देंगे और 0.5 इंच यहाँ पे सिलाई में ऊपर में जाएगा तो वो रख देंगे, तो टोटल हो जाता है ये 9 इंच। ये 9 इंच रख के इसको कटिंग कर लेना है। और ये अगर इससे 4 पार्ट में कटिंग करेंगे तो 13.25 रख के यहाँ से सिलाई का रख देना है और फिर कटिंग कर देना है, लेकिन ये यहाँ से हम 13.25 पे रख के कटिंग करेंगे तो ये चारों चार पार्ट में छोटा छोटा जॉइंट आएगा। और बेल्ट कटिंग करने का दूसरा एक तरीका है वो भी बता देता हूँ। उसमें क्या होता है कि ये सिर्फ यही पार्ट को रख के कटिंग करना होता है, तो उसमें 26.5 इंच रखना पड़ेगा हमको, ये यहाँ से 26.5 इंच, 53 का आधा है, और यहाँ से भी 1/4 इंच का हमको सिलाई का छोड़ देना है। और ये कटिंग करके दिखा देते हैं, और यहाँ से फिर ये 9 इंच रखना है, इसमें एक बड़ा ही जॉइंट आएगा यहाँ पे, तो वो लगा के हम कटिंग कर सकते हैं। तो इसको मैं कटिंग कर देता हूँ अभी, और अगर 4 पार्ट कटिंग करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं ऊपर के बेल्ट कटिंग करने के। यहाँ से थोड़ा सा कम जाता हूँ तो नहीं, थोड़ा सा है तो इसको थोड़ा, और फिर इसका जो ये क्रॉस वाला पार्ट है वहां पे जॉइंट लगा देना है, तो ये यहाँ से ही जॉइंट भी कटिंग हो जाएगा। और अगर ऐसे कटिंग करते हैं तो यहाँ से नाड़े के लिए थोड़ा सा पहले काट लेना है, ये इसमें से नाड़ा बन जाएगा हमारा, और थोड़ा सा और कम पड़े तो इसमें जॉइंट लगा देना है और इसको साइड में निकाल लेना है। और फिर इसको ये यहाँ से इतना सिलाई का जाए उतना कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, और थोड़ा सा ये क्रॉस बराबर कर लेना है अगर बराबर नहीं है तो, और यहाँ से फिर बराबर क्रॉस करके कटिंग कर देना है। और ये यहाँ से इतना सिलाई का रखना है, और यहाँ पे जहाँ पे हमारा जॉइंट खत्म होता है वहीं से इसको फोल्ड कर देना है, और फिर यहाँ से भी इसको ये 0.5 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर देना है। ये यहाँ पे इतना 0.5 इंच अंदर सिलाई में जॉइंट जाएगा तो इतना ज़्यादा रख देना है, तो ये एकदम परफेक्ट जॉइंट कटिंग हो गया। अभी इसको इसके ऊपर ऐसे रख के देखेंगे तो एकदम बराबर आएगा, ये जॉइंट एकदम बराबर आ गया। इसको हम स्टिचिंग करते वक्त देखेंगे कैसे जॉइंट लगाना है। तो ये पूरी सलवार का कटिंग हो गया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।